पर उनको बहुत जल्दी भेजें यहाँ हमारे बीच में, ताकि समाज का उद्धार हो, पूरे विश्व का उद्धार वही कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुँचे हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर जो पब्लिक आ रही है उनसे उनका अनुभव जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के साथ कैसा अनुभव है उनका। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? प्रियंका इंसा। प्रियंका जी कहाँ से आए आप? फतेहाबाद से। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हैं? मैं 12 साल से जानती हूँ। मैम, कैसा माहौल लगता है आपको आश्रम का? शायद पूरी दुनिया है, मुझे नहीं लगता, जो यहाँ सुकून आके मिलता है ना, अपने घर पे भी कहीं भी जाते हैं, लेकिन जो यहाँ के मन को शांति मिलती है वो शायद कहीं भी नहीं मिल पाते मुझे तो यहाँ के लगता है। क्योंकि सुरक्षा कैसी है मैम यहाँ पर? इस ज़्यादा सुरक्षित शायद कभी हो ही नहीं सकते यहाँ पे। हम यहाँ जब आते हैं अपने बच्चों को हम छोड़ के, जब से यहाँ भंडारा होता है, कुछ भी होता है, हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें लगता है कि बच्चे हमारे बिल्कुल सुरक्षित हैं। दोनों थोड़ी छोटी बहनें हैं, वो यहाँ 5-5 साल जहाँ पढ़ कर गई हैं, कुछ लगा ही नहीं हमें, हमें लगा कि अपने घर से दूसरे घर में ही जा रही हैं वो, बल्कि पहला घर हमारा ये है, हमें तो यही लगता है। लेकिन मैम, मीडिया में तो काफ़ी अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था, क्या मानना है आपका जो मीडिया में दिखाया गया? जो मीडिया में दिखाते हैं मेरे ख्याल से तो वो सब पैसे के लिए दिखाते हैं उनको, वो सिर्फ दुनिया गुमराह कर दुनिया को, जिनका उनका मोटिव है जो। लेकिन पर जो हमने खुद देखा है, हम पिताजी के साथ गए हैं, हम उनके साथ खुद एक पर्सनल टूर पर गए थे, अगर आपको वहाँ मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, हम लोग खुद देखते हैं कितने हाई फाई फैमिलीज आती हैं, सिर्फ लोगों सिर्फ गुमराह करते हैं वो लोगों को और कुछ भी नहीं करते। हम उनके साथ पर्सनल रहे हैं, उनसे पर्सनल बात की है हमने, पर नहीं, हमारे तो हमारे ऊपर बाप का हाथ है, हमारे ऊपर सबसे बड़ी बस वही, हमें वही चीज़ चाहिए। हमारे उनका नेचर कैसा है मैम संची का? हमारे लिए हमारे पापा हैं और हम उनके बच्चे हैं। आप जैसे कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे हमारे पापा हमारे साथ रहते हैं उनसे भी, बल्कि हमारे पापा तो भी हमें शायद गलती पर डांट देते हों, हमें बहुत हर चीज़ में बहुत प्यार समझाते हैं, हर चीज़ को हमेशा हमारे घर में गाइड करना। अगर मन शांत नहीं होता ना तो हम उनसे अगर आंखें बंद करके उनसे बात करें तभी हमारा मन शांत हो जाता है। मुझे तो ये लगता है। करेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है? बिल्कुल पवित्र, नेक, साफ, एकदम बिल्कुल साफ। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं वो, इस जिद उनकी ही कोई। उन्होंने दुनिया के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम किए हैं? सब कुछ उन्होंने ही किया। ये देखो कितने लोग हम देखते हैं कि बीमार होते हैं, खून दान करना बीमार लोगों के लिए कितने करते हैं, लोगों को घर बनवा के देना, मरणोपरांत देखो शरीर दान, लोग जी कुछ भी नहीं कर पाते और लोग मरने के बाद इतना इतना कुछ दान देते हैं, अपना शरीर दान देना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पापा का हमने भी शरीर दान किया था, लोगों ने बहुत जो होते हैं वो लोग बहुत बोलते हैं, पर नहीं, हमने जो करना है और हमें पता ना कि हमें हमें कितनी शांति मिलती है। उनको जैसे भी था अपनी गोदी में उठा के ले गए ना, ऐसे हो गए हैं। मैम, देखा जाए 5 साल होने वाले हैं, संत जी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है समाज में, आपको लगता है उनकी ज़रूरत है समाज को? बिल्कुल बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वही आके समाज का उद्धार करते हैं। देखिए उनके जाने से हम देख रहे हैं किस तरह आज का माहौल जो हो गया है। अगर हम बाहर की दुनिया थोड़ा सा बाहर चले जाएँ, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ क्या हाल है, वहाँ लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, पर जब वो यहाँ थे तो वो हर जगह करते हैं, जब जैसे कोई सफाई अभियान अब भी हुआ चाहे, लेकिन जब वो होते हैं हर जगह आते हैं, सत्संग करते हैं, नाम लेने वाले कितनी दुनिया आती है, तो अपने आप वो लोग प्रेरित होते हैं आने के बाद, तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। उन समाज की ज़रूरत उन्हीं की ज़रूरत है समाज को। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से समाज संत जी के लिए? मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि जो सरकार ने जो बेबुनियाद इंजाम लगा रखे हैं, पर उनको बहुत जल्दी भेजें यहाँ हमारे बीच में, ताकि समाज का उद्धार हो, पूरे विश्व का उद्धार वही कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व के उद्धार के लिए, समाज के सुधार के लिए पब्लिक डिमांड कर रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा की। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।